Some news just coming in at this point in time, and this is a big story we are breaking. Urinator Shankar Mishra has been arrested. Mishra has been arrested from Bengaluru after being on the run for days together. This is the man who has urinated on a woman in an aircraft. This was the Air India flight in which Shankar Mishra urinated on a 70-year-old elderly woman. Himanshu Mishra is in Delhi getting us more details. Himanshu, finally ye police ke pakad mein aa gaya. Dino tak Shankar Mishra was absconding. बिल्कुल, और दिल्ली पुलिस इसीलिए लगातार इसकी तलाश में दूसरी एजेंसीज के साथ, दूसरे पुलिस के साथ लगातार दूसरे स्टेट के संपर्क में थी, और दिल्ली पुलिस की टीम दिल्ली से बाहर निकली हुई थी इसकी गिरफ्तारी के लिए। और इसी दौरान जब दिल्ली पुलिस को यह जानकारी मिली कि वो बेंगलोर में हो सकता है, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम बेंगलोर पहुंची, लोकल पुलिस के साथ उन्होंने कोऑर्डिनेट किया और फाइनली शंकर मिश्रा को गिरफ्तार किया। दिल्ली की एयरपोर्ट थाना में शंकर मिश्रा के खिलाफ 354 और 509 के तहत एफआईआर दिल्ली पुलिस ने पहले ही दर्ज कर लिया था और इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस इस बात को लेकर के भी चिंतित थी कि कहीं शंकर मिश्रा देश के बाहर न भाग जाए, और इसलिए वो एजेंसी से भी, कंसर्न एजेंसी से भी संपर्क में थी और लगातार इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। खासतौर से महाराष्ट्र और कर्नाटक के इलाकों में पुलिस को जानकारी मिली थी, और इसके बाद पुलिस लगातार उन इलाकों में वहां के लोकल पुलिस के साथ भी, लोकल एजेंसीज के साथ भी संपर्क में थी। और जब पुलिस को ये पता लगा कि वो बेंगलोर में है, तो उसके बाद पुलिस ने बेंगलोर से उसे गिरफ्तार किया है और अब वहां पर जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करने के बाद दिल्ली पुलिस उसे लेकर के दिल्ली आएगी, जहां पर एफआईआर दर्ज है और यहां पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्नेहा, प्रोटोकॉल ये है कि बेंगलुरु में अरेस्ट हुए हैं और दिल्ली उन्हें ले आया जाएगा। हिमांशु, बिल्कुल, देखिए जो एफआईआर जहां पे दर्ज है, आरोपी को वहीं पर लेके पुलिस आएगी। दिल्ली पुलिस की टीम पहले ही निकली हुई थी और जो एफआईआर दर्ज है वो दिल्ली के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज है, आईपीसी 509 और 354 के तहत। और इसके बाद जब दिल्ली पुलिस वहां पर, जब उसे गिरफ्तार किया है, तो वहां पर पुलिस उसे पेश करेगी और वहां से प्रोडक्शन वारंट लेकर के उसको फिर दिल्ली लेकर के आएगी। दिल्ली में यहां पर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो दिल्ली पुलिस इस मामले में रिमांड लेगी और पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि पुलिस की टीमें, देखिए एक नहीं बल्कि कई पुलिस की टीमें लगातार शंकर मिश्रा की तलाश में जुटी हुई थी और जब पुलिस को क्लू मिल रहा था, दरअसल पुलिस जब इसके एफआईआर दर्ज किया पुलिस की टीम ने, तो पुलिस ने इसको तलाश करना शुरू किया और इसी दौरान पुलिस को इस बात की भी संभावना लगी कि कहीं शंकर मिश्रा देश के बाहर न चला जाए, और इसीलिए कंसर्न एजेंसी से संपर्क किया और फिर जो इसके लोकल मूवमेंट पे पुलिस ने नजर रखा, जहां पे ये जा सकता था उन सभी इलाकों पे पुलिस ने नजर रखा। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पुलिस को फिर इंफॉर्मेशन मिली इसकी बेंगलोर में, और उसके बाद फिर बेंगलोर पुलिस से दिल्ली पुलिस ने संपर्क किया और फाइनली इसे पकड़ा गया है। अब जो कानून है उसके तहत इसे बेंगलोर में पेश करने के बाद दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली में जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है कोर्ट में पेश करेगी पुलिस, वो आगे अपनाई जाएगी। लेकिन इसका पकड़ा जाना अपने आप में बेहद जरूरी है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि जिस तरीके के एलिगेशन इस पे लगे थे, इस मामले में इसे गिरफ्तार करके जो लीगल प्रोसीजर है वो अपनाया जाना बेहद जरूरी था, और यही वजह है कि पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। और इस दौरान एक और इंफॉर्मेशन है कि पुलिस ने जो नोटिस दिया था और जो स्टेटमेंट है वो जो एयरलाइंस के कर्मी हैं उनके स्टेटमेंट भी दिल्ली पुलिस रिकॉर्ड करेगी। स्नेहा, बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। हिमांशु इज विद अस गेटिंग अस ऑल दोस डिटेल्स फॉर व्यूअर्स। द मैन शंकर मिश्रा हु यूरिनेटेड ऑन अ वुमन ऑन बोर्ड अ फ्लाइट हैज नाउ बीन अरेस्टेड बाय द दिल्ली पुलिस। द अरेस्ट हैज टेकन प्लेस इन बेंगलुरु, इज बीन ऑन द रन। हिमांशु, उनके लॉयर का क्या कहना है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आगे चले? देखिए, इस पूरे मामले में दरअसल दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी, जब दिल्ली पुलिस के पास मेल पहुंचा था, क्योंकि महिला ने इस बात की, जब उनको ये लगा कि उनकी जो शिकायत थी उस पे
कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके बाद उन्होंने फिर एक मेल ड्राफ्ट किया था और हायर अथॉरिटीज को लिखा था, जिसके बाद इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई और फिर दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज की जो रेलिवेंट सेक्शंस बनते थे उसके तहत। और इस दौरान ये पता लगा कि सिर्फ शुरुआत में जो एक्शन लिया गया था वो 30 दिनों के लिए बार किया गया था उनको एयरलाइंस में ट्रेवल करने से, और जिस तरीके की महिला का साथ जो 70 साल की बुजुर्ग महिला थी वो, और उनको उसी कंडीशन में बहुत ज्यादा उनको वो नहीं हुआ, वो उसी कंडीशन में लगभग वो अपने जो बाकी ट्रेवल है उसको उन्होंने किया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। तो इस पूरे मामले की जब दिल्ली पुलिस के पास ये जानकारी पहुंची तो दिल्ली पुलिस ने FIR का दर्ज किया था, और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जब तलाश करने की कोशिश शुरू की, दिल्ली पुलिस ने पहले तो यात्री है उसकी आइडेंटिटी कंफर्म की, आइडेंटिटी कंफर्म होने के बाद उस वो कहां का रहने वाला है, तो फिर दिल्ली पुलिस को ये पता लगा स्नेहा कि न तो पीड़ित महिला और न आरोपी दोनों दिल्ली के रहने वाले नहीं है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने फिर कंसर्न स्टेट और कंसर्न पुलिस से संपर्क किया, और वहां पर संपर्क करने के बाद जब पुलिस को शुरुआती दिनों में इसकी जानकारी नहीं मिली, क्योंकि जहां पर इसके होने के या घर पे इसकी जब जानकारी नहीं मिली तो फिर पुलिस ने आगे इसकी तलाश करने की कोशिश शुरू की, इसकी तलाशी शुरू की, और फिर आखिरकार ये बेंगलोर से पकड़ा गया, क्योंकि पुलिस का ये कहना था कि उनकी लगातार इसके ऊपर थी, टेक्निकल सर्विलांस जरिए पुलिस इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, और कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस की टीम इसके बेहद करीब भी पहुंच गई थी, लेकिन फाइनली इसे बेंगलोर से अब पकड़ा गया है, और जो लीगल जो प्रोटोकॉल है वो निभाने के बाद, वो पूरा करने के बाद जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो लेकर के दिल्ली लेकर के आएगी, और दिल्ली में जो पूरा जो FIR दर्ज है उसके तहत आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी।